रिसेंटली हमें तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान के बीच बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स मेनली बतकन एंड ओश एरिया में चल रहे हैं, जहां अभी तक 59 लोगों की डेथ हो चुकी है। तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान का 1000 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर सोवियत एरा की लेगेसी है एंड क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, इसीलिए यहाँ बॉर्डर स्क्रिमिशेस कॉमन हैं। लेकिन इस बार तजिकिस्तान ने किर्गिस्तान के बतकन एरिया में सिविलियंस को टारगेट किया है, जिसकी वजह से किर्गिस गवर्नमेंट को लाखों लोगों को इस एरिया से इवैक्यूएट करना पड़ा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो तजिकी प्रेसिडेंट इमोमाली रहमान, जो 1994 से तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, अपने बेटे रुस्तम इमोमाली को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं एंड इसीलिए किर्गिस्तान के साथ एक शॉर्ट विक्टोरियस वॉर स्टार्ट करके और इकोनॉमिक एंड दूसरे मुद्दों से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करके तजिकी पॉलिटिक्स में अपनी पोजीशन सीमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या ये दोनों ही देश रशिया CSTO के मेंबर हैं या नहीं।